स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं कई प्रकार के उत्पाद तैयार कर रही हैं। वहीं कोरोना महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन के बाद महिलाएं फिर से स्वयं सहायता समूह के तहत आत्मनिर्भर और सशक्त बनने के लिए तैयार हैं। महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, पापड़ और अचार बनाने जैसे कई कार्य करती हैं और इन्हीं कार्यों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बड़े पैमाने के आधार पर किया जाता है। इन समूहों को सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे महिलाओं की स्वयं की व्यक्तिगत या सामूहिक शक्ति बेहतर करने के लिए कौशल सीखने की क्षमता का विकास होता है। स्वयं सहायता समूहों के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के अलावा उनका समग्र विकास भी हो रहा है, जिससे उनका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में काम करने के कारण महिलाओं की स्वयं निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है, जिससे धीरे धीरे परिवार और समुदाय में उनकी सोच को आवाज मिलती है। मेरा नाम मधु है, मैं गागर से हूँ। स्वयं सहायता लव ज्योति स्वयं सहायता समूह हमारे ग्रुप का नाम है। हम 8 महीने से काम करती है और लॉकडाउन के टाइम हमने काफ़ी मेहनत की हुई है और काफ़ी सामान तैयार किया हुआ है, पर उसको मतलब बेचने का कोई रिसोर्स नहीं था हमारे पास। अब यही है हमारे पास एक सेलमंच है जहाँ हम अपना माल सेल कर सकते हैं, और एक हफ्ते से हम रेगुलर यहाँ आ रहे हैं और थोड़ा बहुत मतलब काम हो रहा है हमारा।